आवाज आखिर किसे पुकार रही है? कान्हा की भक्ति में लीन लंदन की अमाया ने उठा लिया है भार गुप्ता परिवार की बहू होने का। शुभ काम कर रही हो, शुभ काम में देरी कैसी और रुकावट कैसी? तो जैसे आरती शुरू हुई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, भक्ति में लीन होके मैं भजन गा रही हूँ राधा कृष्ण जी के लिए। प्रार्थना कर रही हूँ अपने परिवार के लिए, जिनको मैं जानती हूँ, अपने जानने वालों के लिए, और डेफिनेटली अपने नाना जी के लिए जिनकी तबीयत खराब है। तो जरा हमें भी बताइए कि आखिर बंसी वाले के जरिए किसे पुकार रही हैं अमाया? पता नहीं, ये शायद मैं सिर्फ भक्ति को ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगी, ना ही मंटू ना ही रामा को, क्योंकि फिलहाल तो मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, शायद कृष्ण जी ही हैं अब लाइफ में मेरी, तो बस मैं उनकी भक्ति कर रही हूँ, उनकी राधा बन गई। इतना ही नहीं, जल्द ही शो में आने वाला है एक बड़ा ट्विस्ट जिसे रामाश्रय की छोटी बहन कंगना लेकर आएंगी। इस पर कंगना का क्या कहना है ये भी जान ले जरा। कंगना ही इस सीरियल में अब आगे की जो कहानी है उसमें ट्विस्ट लाने वाली है, और बहुत शेड्स हैं इस कैरेक्टर में प्ले करने को। एक तो बड़ी सिंपल सी स्वीट सी लड़की है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो आरती कर रही है सबके साथ मिलकर, और एक कैरेक्टर आप बार बार देख रहे होंगे सीरियल में, बार बार फ्लैश आ रहा है कि बहुत छोटे कपड़े पहन के बहुत मॉडर्न अवतार में नज़र आ रही है। तो ये क्या मिस्ट्री है, क्या ये वही लड़की है, क्या ये डबल रोल है, इस कैरेक्टर को लेके बहुत मिस्ट्री इन्वॉल्व है। इंटरेस्टिंग ना, ट्विस्ट से पहले की खामोशी ही समझिए जो सारा गुप्ता और चौबे परिवार एंजॉय कर रहा है। आगे देखना तो बनता है कि कैसे कंगना अपने डबल अवतार से सबको कंफ्यूज करती है।